alaikum everyone welcome to vocabgram where you learn English with easy lessons. In today's lesson we are going to learn uh, daily use English words with Urdu meaning and sentences. These daily use English words will help you to speak fluent English in your daily conversation. So let's begin. Uh, our first word is embroil. Embroil is a verb and it means to involve someone deeply in an argument, conflict or difficult situation. मुलवस होना या करना या उलझाना या उलझना जो हम उर्दू में बोलते हैं ना इंग्लिश में आप उसको एम्ब्रॉयल कहते हैं कि किसी को आप किसी मुश्किल सिचुएशन में किसी आर्गुमेंट में किसी झगड़े में आम, किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में जो है ना किसी इंसान को मुलवस कर दे या उलझा दे या आप खुद मुलवस हो जाए या आप खुद उलझ जाएँ ठीक है ऐसी सिचुएशन जो अच्छी नहीं होती नेगेटिव सिचुएशन में कोई इंसान जो है ना वो उसमें किसी भी वजह से आप उस इंसान को उसमें ड्रैग कर लें उसको मुलवस कर लें उसको उलझा दें या आप ख़ुद मुलवस हो जाएं या उलझा दें तो उसके उसके लिए ये वर्ड एम्ब्रॉयल जो है वो यूज़ होता है या हम इस तरह के बहुत से सेंटेंसेज हैं जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ आई डोंट वॉन्ट टू एम्ब्रॉयल इन दिस ठीक है कोई भी सिचुएशन हो सकती है आप जिसके बारे में ये बोल सकते हैं ठीक जैसे कि सेंटेंस है सारा डिन वॉन्ट टू एम्ब्रॉयल हर इन द

में जब कंपनी ने अपनी जो फंडिंग थी जो वो फंड्स कर रहे थे उनको जब कट किया तो उसकी वजह से क्या हुआ वो, मतलब वो, वो उलझ गए उन, तो जो कानूनी जो चारागोई होती है उसमें वो जो है वो मुलवस हो गई उसमें वो उलझ गए इस काम की करने, करने की वजह से फंड जो है वो कट करने की वजह से ठीक नेक्स्ट हमारे पास वर्ड अब है है स्टेलमेट क्या कहते हैं स्टेलमेट एक ऐसी सिचुएशन कहते हैं जिसमें के दो पार्टीज इन्वॉल्व है किसी सिचुएशन में और वो दोनों पार्टीज़ जो है वो किसी किस्म की कोई एग्रीमेंट या किसी किस्म के सेटलमेंट पे नहीं राजी हो रही हैं और दोनों अपनी अपनी जो भी उनका ओपिनियन है जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों जो है वो आ, मतलब वो अड़े हुए हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है एक डेड क्रिएट हो गया है तो उस डेड को जो है ना हम स्टेलमेट कहते हैं कि कुछ किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है उस सिचुएशन में ठीक इसको हम उर्दू में तो कुफ कह सकते हैं या तातुल कह सकते हैं ठीक uh, इसका सेंटेंस है द डिस्प्यूट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स हैज़ रिजल्टेड इन अ स्टेलमेट विद नो एग्रीमेंट इन साइड ठीक कि क्या हुआ कि डिस्प्यूट चल रहा है मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान में अब जो वर्कर्स की डिमांड्स हैं और जो मैनेजमेंट की जो भी है कि हम इतना मान सकते हैं ये बातें नहीं मान सकते तो दोनों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो है वो अस ठीक है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो इसको जो है वो चेंज करने के लिए uh, तैयार नहीं है उस या उसको छोड़ने के लिए या उस पर किसी किस्म की एग्रीमेंट नहीं दोनों के दरमियान में तो वो स्टेलमेट हो गया दोनों के दरमियान में कि कोई किसी किस्म का को कोई एग्रीमेंट दोनों के दरमियान में टेक प्लेस नहीं हो रहा है या फॉर्म नहीं कर रहा है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जो है ए, इसका मतलब ये भी हम डेली यूज में बहुत हमारी कन्वर्सेशन में ये वर्ड हमें बहुत से सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए बहुत सी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड हमारी हेल्प कर सकता है वो क्या है कि टू मेक रिटर्न फॉर टू री पे योर रेसीपुर इंप्लाइज एक्शन जिसको हम सिला देना कहते हैं ठीक है उसके लिए हम रिक्वाइट जो वर्ड है उसको यूज करते हैं जैसे किसी ने आपके कहीं पर कोई हेल्प दी की तो आप उस हेल्प को जो है वो रिक्वाइट करना चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि अच्छा इसने मेरी यहाँ पर हेल्प की तो मैं इस बदले में इसके लिए कुछ अच्छा जैसे आपको गिफ्ट खरीद लेते हैं ए, ए, एक जेस्टर के लिए थैंक्स का जो है ना वो जेस्टर के लिए ठीक है तो वो आप रिक्वाइट कर हैं या किसी ने आपको पास्ट में हेल्प किया अब आप वो आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप फौरन अपने तमाम काम छोड़ के उसको हेल्प करने जा रही हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू रिक्वाइट दैट हेल्प जो उसने पास्ट में आपके लिए की थी ठीक वो जो फेवर उसने आपको पास्ट में दी थी सेंटेंस के आफ्टर इयर्स ऑफ सपोर्ट सारा फेल द नीड टू रिक्वायर्ड हर फ्रेंड्स लॉयल्टी विद अ थॉटफुल जेस्चर ठीक है उसने किसी किस्म का को कोई थॉटफुल जेस्चर किया किसी तरह से उसने कोई गिफ्ट या कोई सरप्राइज़ पार्टी या कुछ भी ऐसा उसने अरेंज किया अपने दोस्त के लिए अपनी फ्रेंड के लिए क्योंकि शी फेल द नीड टू रिक्वायर्ड ठीक है वो चाह रही थी कि उसकी फ्रेंड उसके साथ बड़ी लॉयल रही है जो भी जो अप्स एंड डाउन्स उसकी लाइफ में है फ्रेंड उसके साथ जो है ना उन अप्स एंड डाउंस में उस उसकी सपोर्ट रही है तो उसने उसको एक नीड फील हुई कि वो रिक्वाइट करे अपनी फ्रेंड्स की जो लॉयल्टी है का मतलब कि उसको रेसिप्रोकेट प्रोकेट करे उसका सिला दे किसी भी तरीके से ठीक है तो उसने रिक्वाइड करने के लिए एक बड़ा ही थॉटफुल किस्म का जेस्टर जो है वो कुछ भी हो सकता है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास से वह है जी रेकुजट रेक्विजट नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है रेक्विज का मतलब ये होता है किसी काम के लिए शर्त क्या है ज़रूरी क्या है मतलूब क्या है ठीक जैसे कोई चीज़ है कहीं पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर कोई सर्टन एजुकेशन होती है जो कि उस जॉब को अप्लाई करने के लिए रेक्वजिट होती है मतलब कि अगर कहीं किसी जॉब पे लिखा होता है कि आ, सिर्फ मतलब मिनिमम आपकी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होना जरूरी है या मास्टर्स होना ज़रूरी है या किसी फ्ला uh, जो है ना uh, मतलब सब्जेक्ट uh, में आपके पास फ्ला डिग्री का होना ज़रूरी है तो दैट इज़ रेक्वज़िट या आपकी एज जो है वो इतने तक होनी चाहिए इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए तो दैट इज़ रेकुजिट ठीक है किसी काम को करने के लिए जैसे आपके पास फ्ला स्किल सेट होना लाजमी है दैट इज़ रेक्वज़िट फॉर दैट जॉब ठीक है या किसी चीज़ के लिए आपके पास ये टूल्स होना लाजमी है अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो आप ये जैसे कार रिपेयर करनी है तो भाई आपके पास ये टूल्स जो है वो इन हैंड हैं तो आप मतलब टायर चेंज कर सकते हैं तो वो रेक्विट है ठीक है तो किसी काम को करने के लिए जो चीज़ मतलूब होती है या जो जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको हम उस काम का रेकुजिट बोलते हैं ये भी हम इस तरह के भी बहुत से जुमले हम डेली लाइफ में बोलते हैं ठीक है जैसे सेंटेंस है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर रेक्वेड फॉर सक्सेस इन मैनी प्रोफेशंस बहुत से प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके पास Uh, कोई और टेक्निकल नॉलेज ना हो लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो वो आप उस उस खास जो प्रोफेशन है उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो उस खास प्रोफेशन के रिक्विजिट हो सकती हैं ठीक है थीके? जैसे कि सेल्स की जो जो जॉब्स होती हैं जो प्रोफेशन होता है वहाँ पर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत लाजमी है वो उस जॉब का रिक्विजिट है उसके लिए मतलूब है वो ठीक है जैसे कि द कंपनी आउटलाइन द रिकुज फॉर द पोजिशन इंक्लूडिंग स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जब भी कंपनीज जो हैं वो जॉब ऑफर्स निकालती तो वो उसमें आउटलाइन करती हैं क्योंकि इस जॉब के जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके पास ये 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 चीजें ये क्वालिफिकेशन या ये एक्सपीरियंस या अगर कुछ जॉब्स के लिए एज लिमिट भी है तो एज लिमिट या कुछ भी जो है वो सारे रेक्ट उसको आउटलाइन करते हैं जो जरूरी होते हैं उसके लिए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी मोटिफाई मोटिफाई इज़ ए वर्ब एंड इट मीन्स टू कॉज सम टू फील एक्सट्रीमली एम्बेर शेम ह्यूमिलेटेड शर्मिंदगी महसूस करना या शर्मिंदगी महसूस करवाना ठीक है उसके लिए हम ये मोटिफाई जो वर्ड है इसको यूज़ करते हैं जैसे कि सारा एक्सपीरियंस पेरेंट्स यूज़ टू मोटिफाई हर बट टेलिंग एम्बेरसिंग स्टोरीज फ्रॉम हर चाइल्ड हुड इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स ये वैसे हमारे सारे पेरेंट्स करते हैं जो हमारे एजियन पेरेंट्स हैं उनको ये मतलब वो हमारे फ्रेंड्स के सामने आपकी कोई ना कोई एम्बेरसिंग बात जो जो घर के अंदर ही होती है सिर्फ घर वालों को पता होती है आपके बचपन की या कोई ऐसी चीज जिसमें कि आप जो शर्मिंदा हो ठीक है तो वो फ्रेंड्स के सामने उन बातों को कह देंगे तो सारा के पेरेंट्स भी यही करते हैं कि वो फ्रेंड्स के सामने उसकी एम्बेसिंग स्टोरीज जो हैं जो है उसकी बचपन से रिलेटेड या घर के अंदर जो रिलेटेड है वो उसके फ्रेंड्स के सामने उन स्टोरीज को मैंशन कर देते हैं एंड यूज टू मोटिफाई और उसको शर्मिंदा महसूस करवाते हैं ह्यूमिलेटेड अशेम्ड महसूस करवाते हैं ठीक है आप कहीं पर गिर गया ट्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल एंड आई वॉज मोटिफाइड कि मैं जो है ना वो बहुत सारे लोगों के सामने जो है वो मैं ट्रिप कर गई मतलब गिर गई तो आई वॉज मोटिफाइड मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई या I was ऐसे भी बोला जा सकता है कि म, मैं शर्मिंदा हुई, जी, डौर्मेंट. डौर्मेंट जो है ना स्टेट ऑफ रेस्ट इन एक्टिविटी और टेम्प्री सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी देखिए कोई चीज है वो कुछ अरसे के लिए इनएक्टिव हो जाए मतलब किसी खास पॉइंट पे जाकर रुक जाए अब उसमें किसी किस्म की कोई ग्रोथ या कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो एक डॉर्मेंट जो है वो कंडीशन में है एक डॉमेंट जो पोजिशन में है ठीक है उस, उसकी जो सूरत हाल है वो डॉर्मेंट है मतलब कि उसमें किसी किस्म की कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है आप ये वो रिलेशनशिप्स में भी यूज़ कर सकते अगर रिलेशनशिप जो है दो लोगों का एक सर्टन पॉइंट पे आकर उनको लग रहा है कि अब ठहर गया है अब इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो आपका रिलेशनशिप ईसू का डोमेंट जो है ना वो उस सूरत हाल में है उसकी जो उसका जो स्टेटस है वो डोमेंट है या जो कोई बिजनेस हो सकता है जैसे एक बिजनेस है जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक ग्रोथ आपको नजर आती है कि ग्रो कर रहा है बिज़नेस फिर एक सर्टन पॉइंट पर जाकर जो ना आपको लगता है कि बिज़नेस अब जो ना वो इनएक्टिव हो गया है उसमें किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो जो बिज़नेस है वो एक डॉमिट स्टेट में है 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 ठीक तो का का ये ये मतलब मतलब में गैर गैर कह सकते हैं क्या मतलब वो रुका हुआ है, एक सर्टन पॉइंट पे किसी किसम की उसमें कोई आगे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है ठीक है जैसे कि पर साइंटिस्ट आर मोनिटरिंग टू इट क्लोजली फॉर एनी साइंस ऑफ एक्टिविटी वॉलकनोज होते हैं ना अब वो बहुत सदियों से जो है वो एक डॉर्म सिचुएशन में है मतलब वॉलैनज़ जो है वो एक जिस जिस स्टेट पे वो है वो वहीं पर सेंचुरीज हो गई वहीं पे रुका हुआ हाँ है तब साइंटिस्ट जो है वो मतलब कि मॉनिटर कर रहे हैं so, uh, क्लोजली कि इसमें किसी किस्म की कोई एक्टिविटी के साइंस हैं कि इसमें नेक्स्ट कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी इसके अंदर हो जाएगी मतलब वो गैर फवाल बिल्कुल ऐसे रुका हुआ जो ना वो वोल्केनो पड़ा हुआ है ठीक है इसी तरह से जैसे द बिजनेस रिमेन डॉमेंट ड्यूरिंग कोविड वेटिंग फॉर बेटर मार्केट कंडीशन कोविड के दरमियान में बहुत से जो बिजनेसेस थे वो डोमेंट जो है वह स्टेट में चले गए थे क्योंकि जहरी बात है किसी किस्म की कोई बिजनेस एक्टिविटी उस वक्त बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो थी वो रुक गई थी जिसमें स्पेशली सबसे ज़्यादा जो जो इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट हुई थी वो ट्रैवल इंडस्ट्री थी तो ट्रैवल से रिलेटेड बहुत से बिजनेस जो थे वो कोविड के दरिया दौरान जो है वो डोमेंट जो है वो स्टेट में चले गए थे, थे, तो थे, थे और वो फिर बेटर मार्केट कंडीशन का वेट कर रहे थे कि भाई जब ट्रैवलिंग जो है वो फ्लाइट्स खुलें और फिर ज़ाहरी बात है कि वो, वो जब लोग ट्रैवल करना शुरू करें तो फिर उनकी बेटर मार्केट कंडीशन उनको मिले ठीक है ऑडियल ऑडियल जो है वह नाउन है और इसका मतलब होता है डिफिकल्ट पेनफुल और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ स्वीट हैज़ और टू ट्राइल ऑफ आर मार्क बाय हार्डशिप और एडवर्स देखिए जिसको हम उर्दू में आजमाइश कहते हैं ना उसको हम इंग्लिश में ऑडियल कह सकते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में ऑडियल जो है ना वो आते हैं ठीक है कोई ना कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है समटाइम्स करियर में आ जाती है समटाइम्स घर में आ जाती है समटाइम्स अम्मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स में आ जाती है बच्चों के लाइफ में आ जाती हैं ठीक है थीके? इस तरह की जितनी भी आजमाइशें या जितनी भी डिफ़िकल्ट जो भी हालात तो और वाक़त तो अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना तो आपने कहना है कि ये अल्लाह की तरफ से खुदा की तरफ से एक आजमाइश है तो आप कहेंगे इट्स ए ऑडियंस फ्रॉम माई गॉड ठीक है मेरे अल्लाह की तरफ से ये एक आजमाइश है ठीक जैसे कि सेंटर्स एट द लीगल प्रोसीडिंग्स टर्न इन टू अ लॉन्ग देखिए कोई किसी किसी भी को अगर किस्म की प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ जाए किसी किस्म की कोई जो भी कानूनी चारा गोई है कोई इस तरह की situation से गुजरना तो वो emotionally draining होता है. एक तो लंबे होते हैं जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो बड़े लंबे, लंबे अरसे तक चलते हैं और उसमें फैमिली बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाती है और उनके इमोशंस पे उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत

स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि आप इतने ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आपके जहन से अल्फाज सारे खत्म हो जाते हैं आपको समझ नहीं आती आप स्पीचलेस हो जाते हैं उस सिचुएशन में मतलब इंतहाई अनएक्सपेक्टेड बात अगर हो जाए तो यू आर डम फाउंडेड मतलब कि आप हैरानों परेशान और अब दंग रह गए कि ये क्या हुआ है और आपके पास अल्फाज नहीं आ रहे उस 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 वक्त उस उस खास सिचुएशन में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है मियाँ बेबी हैं हजबेंड वाइफ आप सालों से देख रहे हैं कि बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम उनका नजर नहीं आ रहा कोई सामने नहीं आया कोई ऐसा झगड़ा कोई ऐसी बात नहीं अचानक से आपको न्यूज आती है वो डिवोर्स ले रहे हैं दोनों ठीक है वो एक दूसरे से सेपरेट से हो रहे हैं तो यू आर डम फाउंडेड आपको आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं और वो चीज़ ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाए ठीक जैसे कि इसका सेंटेंस है वेंट शीज सो देएक्सपेक्टेड गिफ्ट शी वॉज अटली डम फाउंडेड एंड खुड एंड फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड ठीक है कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपको मिल जाए ऐसा जो आपको आप, आपको पसंद बहुत ज़्यादा है लेकिन आप उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल तो नहीं कर रहे थे कि आपको ऐसा कोई गिफ्ट मिलेगा तो शी वॉज अटली डम फाउंडेड वो बिल्कुल ही मतलब कि कंप्लीटली डम फाउंडेड थी दंग रह गई वो एंड खुड फाइंड वर्ड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है जो हम शुक्रिया अदा करने वाले जो होती है हमारी जो एक वो स्टेट होती है ठीक है तो वो मतलब वो अपना जो शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास किसी किस्म के कोई भी जो है वो अल्फाज नहीं थे ओके जी फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है आई होप कि इंटरेस्टिंग लेसन था आपने इंटरेस्टिंग डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स जो है वो सीखे हैं ये वर्ड्स को आप याद कीजिए इन वर्ड्स को आप अपनी ये सारे जो भी वर्ड्स मैंने अभी आपको जितने भी डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स अभी बताए हैं ये सारे के सारे किसी न किसी सिचुएशन में आपको हेल्प करेंगे ख़ुद को एक्सप्रेस करने के लिए ठीक है तो आई सी नक्सन अला हाफ